ऐसी लिंक और फाइल पर आपने तो क्लिक नहीं किया ना, साइबर फ्रॉड से अलर्ट करती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, क्योंकि शातिर ठग ऐसी फाइल भेजकर आपका मोबाइल भी हैक कर सकते हैं, आपके वॉलेट पर डाका डाल सकते हैं। आपका मोबाइल ना हो जाए हैक, ऐसी लिंक पर क्लिक मत करना। हैकर्स के निशाने पर आप तो नहीं, आपके रुपए ठग करेंगे ऐश। मोबाइल में जासूस नटवरलाल .apk फाइल से सावधान। साइबर फ्रॉड की दुनिया में नटवरलाल रोज नई तरकीब निकाल रहे हैं शिकार को ठगने के लिए। इन ठगों की आपके वॉलेट पर नजर रहती है, ऐसी ऑनलाइन गैंग कभी भी आपका मोबाइल हैक कर सकती है। अगर आपने ऐसी फाइल को क्लिक किया तो समझो आपका बैंक अकाउंट खाली। दरअसल ये गिरोह व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी फाइल भेजता है जिसके आखिर में .apk एक्सटेंशन होता है। इस फाइल को टच करते ही मोबाइल हैक हो जाता है, उसके बाद नटवरलाल आपके मोबाइल के जासूस बन जाते हैं। मेरे मोबाइल में रात को 12:22 में एक मैसेज आया था और मैंने सुबह जब सोकर उठा तो देखा कि मेरा फ़ोन व्हाट्सएप जो है हैक हो गया था। मैंने काफ़ी लॉगिन करने की कोशिश किया लेकिन किसी प्रकार का लॉगिन नहीं हुआ। तब मुझे ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ गलत हुआ मेरे फ़ोन के साथ। उसके बाद फिर मैंने किसी जानकार से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका फ़ोन हैक हो गया है। मैंने अपने फ़ोनपे के माध्यम से फ़ोन में चेक किया तो मेरा खाता 1,51,372 रुपये कट गया। मुंगेली में साइबर फ्रॉड के ऐसे ही मामले सामने आए हैं। खास बात ये भी कि ऐसे फ्रॉड में पहले मोबाइल हैक होता है, उसके बाद आपके जानने वालों को भी ऐसे ही मैसेज यानी ऐसी ही फेक फाइल .apk भेजी जाती है। फरियादी निक्कू जायसवाल जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे वहां मौसम के नाम पे ऐसी ही फाइल आई और 1,91,000 का चूना लग गया। पहले 27 जुलाई दिन शनिवार को एक शिव भक्त लोड़मी करके ग्रुप बना था, उसमें एक व्यक्ति ने डाला था कि छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट। मैंने सिर्फ उसको छुआ बस था, मैंने किसी प्रकार का कोई इंस्टॉलेशन नहीं किया था। उसके बाद फिर मैं तुरंत तो हैक नहीं हुआ लेकिन 4 दिन के बाद फोन हैक हो गया। मेरे खाते से 1,51,372 रुपया खाते से कटा है। मैं लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की इस प्रकार का कोई मैसेज आता है कि छत्तीसगढ़ मौसम जानकारी, PM आवास योजना और जो है अपना छत्तीसगढ़ मौसम हो गया, PM आवास योजना हो गया और अन्य जो मैसेज आ रहा है, एप्स आ रहा है, उसको किसी प्रकार का टच नहीं करें, क्लिक नहीं करें, नहीं तो उनका भी खाता से पैसा कट सकता है। खास बात ये कि 2 या 3 दिन बाद ठग रुपए निकालते हैं जिसे किसी को शक ना हो। नटवरलाल ने इन रुपयों से ऑनलाइन शॉपिंग की। शासकीय योजनाओं के संबंध में किसी भी अनजान मोबाइल नंबर से APK एप डाउनलोड करने संबंधी लिंक भेजे जाने पर इस प्रकार के किसी भी लिंक को टच ना करें। यह साइबर ठगों के द्वारा भेजा जा रहा है जिसे आपके मोबाइल से जरूरी सूचना एकत्र कर आपके बैंक खाते से पैसे की निकासी की जा सकती। पुलिस आप लोगों से अपील करती है कि किसी भी लिंक को टच या डाउनलोड ना करें। ये ठग लोगों के द्वारा आपके बैंक खातों में का पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। यही नहीं, शातिर ठग कई सरकारी योजनाओं के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी फाइल भेजते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग शिकार हो जाएं। मोबाइल हैक करके आपके परिचितों को भी ये फाइल भेजी जाती है। .apk फाइल से सावधान, ऐसी फाइल को फौरन डिलीट करें, मोबाइल का इंटरनेट बंद करें, फोन तुरंत रिस्टार्ट करें, ई वॉलेट, व्हाट्सएप, नेट बैंकिंग, मोबाइल का पासवर्ड बदलें। डराना हमारा मकसद नहीं, आपको सावधान करना हमारी जिम्मेदारी है। मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
का शिकार कोई भी हो सकता है। इन ठगों को ना मंत्री का डर है और ना पुलिस का खौफ, ना ही कलेक्टर से, जिनका उसूल है मनी मनी। फेक आईडी का ये जाल आप भी देखिए और सावधान हो जाइए। ठगों ने बनाई सीएम की फेक आईडी। मंत्री जी आखिर क्यों हुए हैरान? इनके निशाने पर नेताजी, कलेक्टर के नाम से फेक व्हाट्सएप, पुलिस वाले भी हो सकते हैं शिकार। मुखौटे वाले नटवर लाल, वॉलेट पर नजर रखने वाली ऐसी गैंग कैसे अपना उल्लू सीधा कर सकती है, जो इतने बेखौफ हैं कि कभी नेताजी के नाम से तो कभी अधिकारियों के नाम से तो कभी पुलिस वालों के फेक अकाउंट बनाती है, जिन्हें ना पकड़े जाने का डर है। बस ऐसी गैंग का एक ही असूल है, मनी मनी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के नाम से बनाई गई ये फर्जी फेसबुक आईडी, जिसे आप देख सकते हैं, 682 फ्रेंड्स तक बनाए गए हैं। यहाँ रुपयों की डिमांड नहीं की गई, बल्कि सीएम के नाम से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। एसीसीयू की टीम मामले की जांच कर रही है। अब दूसरी तस्वीर, एमपी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह भी ऐसे ठगों की हरकतों से परेशान हैं और हैरान भी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लोगों को उनके नाम से बनाए गए फेक आईडी से सावधान रहने को कहा है। मंत्री राकेश सिंह के नाम से फेक आईडी बनाकर ठग लोगों से रुपए मांग रहे थे। अब केस नंबर 3, अंबिकापुर में कलेक्टर विलास भोसकर ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। यहां भी फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया। ऐसा पहली बार नहीं है, पुलिस अधिकारियों के नाम से भी फर्जी आईडी बनाकर ठगा जाता है। दरअसल गैंग फोटो का इस्तेमाल करती है और अक्सर लहजा ऐसा रखती है जिससे उन पर शक ना हो, लेकिन आप इस चालबाजी को आसानी से समझ सकते हैं, सतर्क रहें। रायपुर में तनु वर्मा, जबलपुर में पवन पटेल और अंबिकापुर में श्रवण गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे, ये क्या हो रहा है? जहां ये तो सीधे डाका है। जो एक ऐसा वीडियो कुछ लोगों ने बनाया जिसमें मरीज के खाने पर डाका डाला जा रहा है और इल्जाम लगा है सिविल सर्जन पर। देखिए, डॉगी पर दुलार, मरीज लाचार। मरीजों के हक पर डाका है ये तस्वीर। साहब की मेहरबानी देखिए, मरीजों को उनके हक की रोटी और दूध मिले ना मिले, लेकिन उनके प्यारे डॉगी की खुराक में कमी नहीं होनी चाहिए। तो सीधे मरीज की थाली से ही छीन लिया है निवाला। सरकारी खाने पर साहब का डॉगी मौज कर रहा है। विदिशा के जिला अस्पताल के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर शेषर रघुवंशी, सिंह भ्रष्टाचार में आकूट डूबे हुए हैं और हद देखिए कि इनके जो बंगले पर कुत्ता पाला हुआ डॉक्टर शेषर रघुवंशी ने, उस कुत्ते के लिए जो मरीजों का दूध मिलता है, मरीजों के लिए दूध दिया जाता है, रोटी दी जाती है, जो दूध और रोटी अपने कुत्ते को मिलाते हैं। आज हमने रंगे हाथों, हम विगत 3 दिन से इस चक्कर में इसमें लगे हुए थे कि हम डायरेक्ट इनका वीडियो बना रहे थे। दो लड़के जो मेस में काम करते हैं उनसे सिविल सर्जन 4 लीटर दूध और 25 रोटी बुलवाता है। डॉगी पर ये मेहरबानी मरीजों की परेशानी बन रही है, तो कुछ लोगों ने सीधे डॉक्टर साहब के घर स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, या यूं कहें हकीकत बाहर लाने के लिए वीडियो बना डाला। जिन लोगों ने वीडियो बनाया है उनका आरोप है कि विदिशा के सिविल सर्जन डॉक्टर शिरीष रघुवंशी के सरकारी बंगले पर सीधे सरकारी अस्पताल से उनके प्यारे डॉगी के लिए मरीजों का दूध और रोटी पहुंच रही है। इल्जाम है कि 25 रोटियां और दूध की थैलियां डॉक्टर साहब के बंगले पर जाती हैं। कुत्ते की किस्मत पर तो ये लोग रश्क खा रहे हैं कि देखिए साहब, कुत्ता कितना किस्मत वाला है और मरीज उसका तो छोड़ ही दीजिए। लोग सवाल कर रहे हैं, आखिर सरकारी खाने पर कुत्ते का हक क्यों है? आज हमने वहाँ जाकर के पकड़ा तो जो सिविल सर्जन का कर्मचारी है वो वहाँ पे भाग गया और हमने दोनों लोगों को पकड़ा। वहाँ पर 25 रोटियाँ थी जो हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे और दूध जो कुत्तों को पिलाया जाता है। तो दुर्भाग्य की बात देखिए
कुत्ता कितना भागफाली और हमारे दीदी क्षेत्र के मरीज कितने दुर्भाग्यफाली है, तो उनके हिस्से का जो दूध और रोटी है वो कुत्तों को यहाँ का सिविल सर्जन खिला रहा है। आज इसको हमने रंगे हाथों पकड़ा है और अभी चूंकि विदिशा विधायक मुकेश टंडन जी भी आज निरीक्षण कर रहे थे, उनको भी हमने इस चीज से अवगत कराया। उन्मूलन समिति ने वीडियो बनाया और हक में डाके के इस वीडियो के बारे में बीजेपी विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में अभी ये बात आई है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अगर कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को अगर इस प्रकार से लापरवाही के साथ अगर करता है तो उसको भी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, ये भी मैं बात। डॉगी से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन सरकारी खाना डॉगी पर क्यों लुटाना, डॉगी को दुलार और मरीज बेचारे लाचार, इन इल्जामों का सच क्या है? रायसेन से दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब आपको दिखाते हैं बदमाशों के कहर की लाइव तस्वीरें, महज एक मिनट, और इस एक मिनट में लट से करीब 16 वार एक युवक पर किए गए, वो भी सरेरा सरेआम। राजधानी भोपाल में कौन सी गैंग है जिसे पुलिस का भी कोई खौफ तक नहीं? चलता फिरता इलाका, गाड़ियां आ जा रही हैं, लोग भी निकल रहे हैं और इस बीच बदमाशों की थर्ड डिग्री जारी है। सीसीटीवी में कैद हुई है कहर की तस्वीर, भोपाल में बदमाशों के आतंक की तस्वीर। करीब 6 से 7 बेखौफ अपराधी इस शख्स पर कहर बरपा रहे हैं, कोई मुक्के मार रहा है तो इस बदमाश के हाथ भी रुक नहीं रहे, डंडे बरसा रहा है एक के बाद एक। न तो इस बेबस शख्स की कोई दलील काम आ रही है और ना ही इसकी गिड़गिड़ाहट पर कोई तरस खा रहा है। इसके बाद दूसरा शख्स लठ देता है, अब वो जुल्म ढा रहा है। भोपाल के अशोका गार्डन की तस्वीर है ये, देखिए सरेराह सरेआम कैसी हैवानियत की जा रही है और राहगीर तो तमाशबीन बन गए हैं, उन्हें लग रहा है जैसे यहां कोई थ्रिलर फिल्म चल रही है। आखिर इन लोगों के बीच विवाद क्या था, क्यों इस लड़के की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई? मामला दर्ज हो गया है और तफ्तीश जारी है, पीड़ित लड़के की हालत गंभीर है। सवाल है कि आखिर बदमाशों में खाकी का और कानून का खौफ क्यों नहीं है? वासु चौरे, न्यूज 18, भोपाल। और बात आसमानी आफत की, जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है, भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़ गए। हिमाचल के मंडी में एक इमारत देखते ही देखते बह गई, नदी के तेज बहाव में पलक झपकते ही एक इमारत पहले तो जमींदोज हो गई और फिर नदी के तेज बहाव में इमारत बह गई। तो हिमाचल के मंडी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, डराने वाली सहलाने वाली ये तस्वीरें हैं, पूरी की पूरी इमारत कैसे सैलाब में समा गई कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंडों में। ये तस्वीरें जिसने देखी वो सहम गया। हालांकि हिमाचल में या कहें हम पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की खबरें आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन कोई इमारत कुछ ही सेकंडों में कैसे सैलाब में समा गई ये देखिए यहां पर आप। और पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है, जहां भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़ गए। हिमाचल के मंडी में एक इमारत देखते ही देखते बह गई, नदी की तेज बहाव में पलक झपकते ही एक इमारत पहले तो जमींदोज हो गई फिर नदी के तेज बहाव में बह गई। हिमाचल में बारिश का विस्फोट, कुल्लू में फटा बादल का, मंडी में तबाही, लहरों का तूफान हिमाचल में त्राहि।
आसमानी तबाही, पहाड़ पर फेरा। बादलों की दहाड़, मुसीबत में पहाड़। कुदरत के शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठा। लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशाल काय इमारत इन लहरों में समा गई। ये मणिकर्ण की तस्वीरें जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला ये व्यक्ति रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को ले लिया। तो मॉनसून का सीजन है, सतर्क रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बहरहाल सुपर सिक्स में बस इतना।